इंटरनेशनल ड्रग माफिया तस्लीम की 2 करोड़ से अधिक कीमत की अवैध संपत्ति को मेरठ पुलिस ने शनिवार को जब्त कर लिया है। आपको बता दें कि मेरठ पुलिस ने ड्रग का अवैध कारोबार करने वाले माफिया हाजी तस्लीम के महताब सिनेमा के पास मछेरान में बनी 3 दुकानों को कुर्क कर लिया है। इन दुकानों में तस्लीम अपने परिजनों के साथ मिलकर ड्रग का अवैध कारोबार चला रहा था। इससे पहले पुलिस ने ड्रग माफिया की 3 करोड़ की संपत्ति पूर्व में सीज कर चुकी है। कुल 5 करोड़ की अवैध संपत्ति को अब तक सीज किया जा चुका है। आपको बता दें कि तस्लीम का बेटा, बीवी, दामाद भी ड्रग के अवैध धंधे में मिले हुए हैं। इनकी भी पुलिस जांच कर रही है, साथ ही तस्लीम की दूसरी संपत्तियों की जांच हो रही है। इससे पहले पुलिस मेरठ में तस्लीम की 50 लाख रुपए की एक संपत्ति, 2 करोड़ का एक मकान भी सीज कर चुकी है। लगभग 3 करोड़ की संपत्ति को पहले सीज किया जा चुका है। वहीं अवैध धंधे के कारोबार में माफिया तस्लीम का साथ देने वाले उसके पूरे गैंग की तलाशी भी की जा रही है। आपको बता दें कि तस्लीम जेल से अभी भी अपना रैकेट चला रहा है, तो वहीं पुलिस इसकी जांच में जुटी हुई है। ब्यूरो रिपोर्ट, IPN।